बोलिए सतगुरु देव की जय। सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं, देवियां भी तैयार हैं कि समूह तो बहुत अच्छा है। और सब बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं यहाँ, कितना अच्छा लगता है। प्रिय बंधुओं, बहुत सुंदर बात श्रवण कर रहे थे, उसी श्रृंखला में थोड़ी सी बातें मैं करूं। जान और सामान, जान कहाँ होता है? प्राणियों में जान होती है। और सामान किसे कह सकते हैं? सामान में जान नहीं होती है कि होती है? ये माइक एक सामान है, ये सब सामान है, ये दरी चद्दर ये सब सामान है, घर द्वार सामान है, क्या इसमें जान है? जर जमीन सब सामान है। जान और सामान दोनों में बहुत अंतर है। क्या हम जान के लिए मेहनत कर रहे हैं? अपने भीतर जान है, जान न हो तो सब शमशान है। तुरंत फुकंत लुटंत फेकंत चालू हो जाएगा। जान है तब तक ये सभा है, सब लोग बोल डोल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और सब धर्म कर्म कर रहे हैं। जान की बहुत बड़ी महिमा है बंधुओं, इसके लिए हम कुछ खोजबीन करते हैं, इसको विस्तार से जानने के लिए क्या हम मेहनत करते हैं, इसको पाने के लिए, इस जान को जो भूल गए हैं, खो दिए हैं, जिसके न जानने से हम बाहर काफी भटक रहे हैं। गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने, 9 महीने में बनाकर मूर्ति सुंदर बैठा है आप सीने में, न कोई पूजता इसको लगे मृग जल के पीने में, भटकते द्वारिका काशी फिरे मक्के मदीने में। जिस मूर्ति को गढ़ करके प्रभु 9 महीने में तैयार किया और उसी में वो बैठ गया। अब हम खोजने के लिए बाहर खोजते हैं, उसको जानते ही नहीं। उसी को जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। इसी को शास्त्रों में कहा गया है, नीति ज्ञा वेदज्ञा अभिभवंत शास्त्रज्ञा अपिलभ्यास ज्ञान ज्ञानो बिरला। नीति को जानने वाले, उसके छंदों को याद करने वाले, उसके अर्थों को समझने वाले, उसकी कथा कहने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन उसका आचरण करके उस शांति का अनुभव करने वाले लोग कम मिलते हैं, वो बिरले लोग होते हैं। पढ़ने वाले पढ़ाने वाले शास्त्रों को बहुत मिल जाएंगे, लेकिन क्रियावान जो होता है, आचरण करता है, वही ज्ञानी है, पंडित है। महापुरुषों ने सारी बातें कह दी है, हम लोग उसको पढ़ते नहीं है, जानते नहीं, समझते नहीं, ये कथाकार लोग उसको कहते नहीं है। और इतना हमें महिमा के सागर में डुबा दिया गया कि इन सब कठिन बातों के लिए हम अपना दिमाग लगाते भी नहीं है। सरल सरल सब चाहिए, भक्त भी हो गए तो गुरु संतों का आशीर्वाद चाहिए, कुछ ज्ञान ध्यान नहीं चाहिए उनसे। अगर त्याग की बात करते हैं, बैराग की बात करते हैं, साधना की बात करते हैं, तो आप कहेंगे महाराज हम तो गृहस्थ हैं, ये सब आप क्या बता रहे हैं, कोई ऐसी अलौकिक चीज दीजिए। आपके अंदर एक दोष निकल गया जो जन्मों जन्मों से आपको इस 84 में भटका रहा था, वो दोष संत गुरु के कहने से छूट गया तो आपको लगता है कि क्या मिला। लेकिन भक्त होते ही संयोग बन गया और नौकरी लग गई बेटी की, तो
आहा क्या कमाल है, गुरु जी की कितनी कृपा है, जब से हम भगत हुए हमारे बेटे की नौकरी लग गई, बीमारी दूर हो गई घर से, कितनी बड़ी कृपा है। जो जन्मों से हमको भटका रहा था, जो दोष जो दुर्गुण जो वासना गुरु संतों से वो छूट गई, उसका हमें अनुभव नहीं हो रहा है खुशी का। और जो सामान्य इस देह से जुड़ी बातें हैं कुछ थोड़ी सी निर्वाह संबंधी, उसके लिए हम सोचते बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, तभी तो बड़े बड़े सब सफल हैं ये बाबा लोग, उनके पीछे कितनी जनता भाग रही है, उनसे क्या मिल रहा है, जा करके सर पटकते हैं। और वो बाबा फिर साल दो साल में फिर हजार करोड़ की संख्या में आ जाते हैं और लाखों लाखों की भीड़ हो जाती है, बिना बुलाए भागे चले जा रहे हैं, रोते हैं गिड़गिड़ाते हैं, लाज जूता भी करते हैं वो बाबा लोग, फिर भी लोग कोई नाराज नहीं होते हैं, कहते हैं सब भूत उतार रहे हैं। ज्ञान से जब तक भूत नहीं उतरेगा, ये जूता लाश से कभी उतरने वाला नहीं है। ज्ञान, सच्चा ज्ञान चाहिए, सही ज्ञान चाहिए, उससे ये अज्ञान का भूत उतरता है और दुख समाप्त होता है। एक उदाहरण से समझ लें, थोड़ा सा समय है। एक सज्जन थे, शादी हो गई थी और लगभग 8-10 साल बच्चे 12 साल नहीं हुए, सीमा टूट गई कि अब लगता है नहीं होंगे, तो पुरानी जो पहले वाली पत्नी थी उन्होंने भी दस्तक किया कि दूसरी शादी कर लो, वंश चले। तो पुरुष वो भी प्यासा था बच्चे के लिए, दूसरी शादी कर लेता है, दो पत्नियां हो जाती, अब वो सवत सवत हो जाती हैं, सवत ही कहते हैं ना, जन क्या कहते हैं माता जी, दो स्त्रियां जहां होती हैं, हाँ दो सौतीन हो जाती हैं, तो सौतिया डाह खूब चलता है, बच्चे तो उसमें भी नहीं हुए, दोबारा जो आई उसमें भी नहीं हुए बच्चे। अब क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा काम हो गया, दोनों लड़ने लगी तो अब परेशान होने लगा, इतना परेशान हुआ सोचा कि अब मैं घर छोड़ के भाग जाऊं तो ठीक है। पैसे की कमी थी, निर्वाह में उनके तमाम ऐशो आराम की चीजों में कमी हो रही थी, आपस में बहुत झगड़ा लड़ाई कर रही थी, पड़ोस की गांव की कुछ लड़ाने वाली स्त्रियां भी कान भर दिया करती थी, खूब लड़ती थी दोनों, परेशान था। अब दो पत्नी वाला पति कि हाल तो वही जान सकता है, बहुत परेशान था। मित्र के पास गया, महाशय मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं जाना चाहता हूं बाहर, घर छोड़ करके यहां नहीं रहूंगा, परेशान कर दिए। अच्छा, मित्र समझदार था, कहीं देखो घर गांव छोड़ने से काम नहीं चलेगा, शादी किए हो, दो पत्नी है, तो इनको निपटारा करो, तो लड़े ना। कैसे निपटारा करें? अरे बोले सड़क पर घर बनवा दो, कुछ पैसे मैं देता हूं, कुछ कमाओ, जमीन खरीदो, अलग एक घर बनवा दो, एक गांव में रहे एक सड़क पर रहे, दोनों दूर दूर रहेंगी, झगड़ा मिट जाएगा। उसके भी बात समझ में आई, बनवा दिया घर जमीन खरीद करके, दोनों को बांटा कर दिया, अलग अलग रहने लगे। लेकिन ये संसार बड़ा विचित्र है, पुरुष तो एक ही था, अब गांव के लोग कुछ उधर कह देते कुछ उधर कह देते, कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं उनको बड़ा मजा आता है कहने सुनने में। उसका भी दिमाग लगा रहा था कि बड़ी वाली के यहां ज्यादा रह लेते हैं पति देव, ज्यादा माल टाल दे देते होंगे, और यहां के लोग वहां करते, झगड़ा बंद नहीं हुआ। अब परेशान होकर के पति सोचा कि अब मैं बाहर ही चला जाऊं तो कुछ दिन के लिए आराम मिलेगा, चला गया बाहर। कई साल हो गए, 10-12 साल नहीं आया,
आने का कई बार मन करता था, लेकिन जैसे झगड़ा की याद करता कि हालत खराब हो जाएगी, जाऊंगा तो इससे अच्छा तो यही मैं अपना बॉम्बे में पड़ा रहूं, यही ठीक है। हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इतने में बड़ी वाली जो पुरानी वाली औरत थी चिट्ठी लिखती है, बहुत दिन हो गए तो चिट्ठी फोन का जमाना नहीं था, उसने लिखा कि मेरे देवता पति देव, आपकी दया से मैं यहां पर कुशल मंगल से हूं, कोई बात की कमी नहीं है, मैं आपकी कृपा से संतुष्ट पूर्वक रहती हूँ, संतोष पूर्वक सब जो भी रहता है फटा पुराना पहन करके आपका नाम लेकर के मैं यहाँ रहती हूँ, जो कुछ भोजन है नमक रोटी खा लेती हूँ, मस्त रहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और आप कुशल मनाती हूँ कि आप वहां पर अच्छे ढंग से होंगे, आप भी गुरु कृपा से अच्छे होंगे। एक चीज का दुख सताता है मुझे मेरे स्वामीनाथ पतिदेव, जब मैं शाम के भोजन बना के बैठती हूँ भोजन पर, तो याद सताया करती है आपकी कि आप काम धाम से आते होंगे थके मांदे, क्या खाते हैं क्या पीते हैं, मैं तो बना के खाने जा रही हूँ अकेले, आप भी होते तो कितना अच्छा होता, आपकी याद करके मुझे बहुत दुख होता है। और दूसरी मीटिंग फिर याद आती है कि जब मैं सुबह जागती हूँ भोजन पानी बनाती हूँ, फिर आपकी याद आती है कि आप अपने हाथ से बनाते होंगे, कुछ सूखा उखा खिचड़ी उचड़ी खाते होंगे, आप होते तो दोनों मिल करके खाते, आपका भी जीवन अच्छा होता। ये दोनों दो टाइम मैं दुखी रहती हूँ बस, और कोई तकलीफ नहीं है। आपके चरणों में बहुत बहुत नमन है, ऐसा लिख करके पोस्ट ऑफिस में गई, डिब्बे में डाल रही थी पत्र, तो एक औरत देख लिया और भागी भागी गई नई कई के पास, अरे जल्दी लिख चिट्ठी, वो पुरानी वाली डाल दिया, मैं देखा हूं आंखों से, वो बहुत सामान मंगा लेगी, होली आ रही है, होली का सारा सामान मंगा लेगी, त्योहार है, साड़ी और गहने मिठाई सब सामान मंगाएगी, तू रह जाएगी, तू भी लिख। अच्छा, कहने से वो चिट्ठी लिखती है फिर, ए पतिदेव खबरदार, इतना निर्दय होकर के 12 साल से बैठा है, ना नमस्ते ना दंडवत कुछ नहीं, डायरेक्ट चिट्ठी लिखती है कि ध्यान रखना तूने शादी किया है मेरे साथ, बच के जाएगा नहीं, 12 साल से छुपा करके चोर जैसा बैठा है, हालत खराब कर दूंगी, इतने दिन से हिसाब देना पड़ेगा, 12 साल से मैं अपने से जी रही हूँ और रोज दुख भोग रही हूँ, कोई यहाँ सुख शांति नहीं, तुम्हारे यहाँ खाने पीने पहनने ओढ़ने गहने देखने कुछ नहीं है, चुपचाप ये मैं लिखती हूँ, तुम्हें देना ही पड़ेगा, इतना गहना, इतना खाने का सामान, इतना होली का सामान, इतना पहनने का सामान, और तमाम तरह के छागल वागल बहुटा उहटा सब गहना और टिकली सिंदूर लिपस्टिक सब लिख करके भेजा चिट्ठी, एक लंबा खर्रा गई चिट्ठी, पढ़ करके दोनों तो सोचता है चलो ले ही जाना पड़ेगा, ख्याल किया कि अब जब चिट्ठी आ ही गई है तो मैं चला जाता हूँ, अब त्योहार भी है, बुलाए भी है दोनों कि आ जाना त्योहार में लेकर के सब, तो सब गया एक दुकानदार के यहाँ, ये भी छोटकई लिख दिया कि ये सामान नहीं आता, तो समझ लीजिए कि एक भी झाड़ू जमीन में नहीं पड़ेगा, सब तुम्हारे पीठ में ही पड़ेगा। तो गया दुकान पर, सेठ जी ये पर्चा ले लीजिए, लिस्ट सारा सामान ओरिजिनल देना, ये भी लिख दिया था कि सब मैं सामान मिलाऊंगी ये लिस्ट में, एक भी कम नहीं होना चाहिए, सब एक नंबर का ओरिजिनल होना चाहिए, सब सामान लिख लुक करके लिस्ट देख दिया कि भैया महाजन सब ओरिजिनल सामान देना, लोकल नहीं देना, नहीं तो एक झाड़ू जमीन मना जाए, तो हमारे पीठे पर आई।
दुकानदार सब बढ़िया सामान दिया, तौल भी ठीक किया और ले आया सब, पन्नी बांध करके उसे अटैची में पैक किया, दो अटैची सामान हुआ सब, लेके चला बेचारा ट्रेन से उतर करके गोरखपुर में आ रहा था। जैसे गांव पहुंचा तो तैसे ही एक औरत देख ली कि अरे ये तो वही आदमी है। पुरानी वाली औरत के पास सूचना मिल गई कि अरे जा जल्दी से, तेरा पति दो अटैची सामान लेके आ रहा है, दौड़ स्वागत कर। वो बेचारी गई, जा करके तुरंत पैर छुआ और दोनों अटैची हाथ में ले लेती है। देखा कि बेचारे पसीने पसीने हो गए, थक गए, बड़ा करुणा और प्रेम के साथ आगे पीछे पीछे लेके चल देती है, घर बुला लाती है और बैठाती है आसन पर, अटैची उधर रखती है, द्वारे रख देती है, पानी लाती है, चरण पखारती है, फूल पत्ती चढ़ाती है, अगरबत्ती सुलगा के आरती करती है, पंखा लेके डुलाने लगती है पास में बैठ करके। कैसे यात्रा बड़ी कठिन हुई, थक गए होंगे, हालचाल पूछने लगी, कुछ पीने खाने के लिए दिया। इतने में नईकई के पास सूचना पहुंच गई कि अरे जल्दी कर, दोनों अटैची चली गई, माल गया तेरे हाथ से। अब वो भी भागी भागी आई दो तीन औरतों को लेकर के गवाह रूप में, और तुरंत आकर के अटैची को पकड़ा, अरे माल तो बाहर ही है, उसको बैठा रहने दो। सामान को पकड़ी और तुरंत अटैची खोल डाला, खोला, देखती हूं, बैठे रहना और एक एक सामान मैं मिलाऊंगी, आकर के यहां बैठे हो चुपचाप। तुरंत एक एक सामान मिलाने लगी, बेचारा टुकुर टुकुर देखता रहा देवी की हालत को। सारा सामान मिला करके जब जाने की, हाँ ठीक है अब मैं ये सामान दूंगी नहीं, लेके जा रही हूं, लेके दोनों अटैची पूरा का पूरा सामान चली गई सड़क वाले घर पर। गांव के कुछ लोग देखे, दौड़ कर आए और नाराज हुए कि अरे भले मानुष, ये पुरानी औरत तुम्हारे बिना तरस रही थी, रो रही थी, तुमने यह अन्याय किया बहुत। अरे देना ही था तो आधा आधा एक एक अटैची सामान देना चाहिए, तुम कैसे आदमी हो निष्ठुर। अरे दोनों तुम्हारी पत्नी है, दोनों के लिए संभाव रखो, इतना निर्दय हो गए हो, अन्यायी हो गए हो। लंबी सांस खींचता है बेचारा और कहता है, भैया सुनो मेरी बात को, उसने चिट्ठी में सब लिखा था सामान, उसे सामान प्यारा था, मेरे लिए नमन भी नहीं किया था, मेरी याद भी नहीं किया था, केवल सामान लिखा था ना। आइस पुरानी वाली औरत ब्याहिता चित हुई थी, इसने सामान एक भी नहीं लिखा था कि मेरे लिए तुम ये लाना ये लाना ये लाना, केवल मेरे लिए लिखा था कि तुम्हारी याद आती है और तुम अगर चाहो दया करो तो आ जाओ होली पर। तो देखो नई वाली को प्यारा था सामान, तो उसको सामान मिल गया। अब मैं बैठा हूं पुरानी के यहां, इसको प्यारा है जान, तो जान जहां है वही तो सब कुछ है। इतना कह देने पर सब लोग संतुष्ट हो गए कि जब इनको जान ही प्यारी है तो उसको जान मिल गई, पत्नी के लिए पति जान है। कहते हैं ना, तू तो मेरी जान है, तो एक दूसरे के लिए वो जान मिल गया। अब सामान की क्या परवाह, सामान तो बहुत आ जाएगा, जान है तो जहान है। तो इस तरह से बंधुओं, ये संसार एक सामान है, इसी के लिए रात दिन हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, अरे मंदिर में भी जाकर के यही तो मांगते हैं। क्या यही मांगते हैं, हमारे सारे दोष दुर्गुण हो जाए, हे शंकर भगवान हम सारे दुर्गुण से दूर हो जाए, पवित्र जीवन जिए, सारी वासना सारी इच्छाएं हमारी दूर हो जाए, क्या कभी ऐसा मांगन मांगते हैं? शंकर भगवान के पास या मंदिर में किसी देवी देवता के पास जाकर के, अरे ये बहने दे दुर्गा माई के पास जाकर के क्या मांगती हैं?
कभी मांगी है कुछ कि मेरा जीवन निर्मल हो जाए, मैं मीठा बोलना आरंभ करूं, मैं झगड़ा लड़ाई से दूर रहूं, ऐसा कभी कोई मांगते हैं? अरे जब हमारे कर्म सुधर जाएंगे, कर्म हमारा अच्छा है तो किस्मत हमारी दासी है, धर्म हमारा अच्छा है तो घर में मथुरा काशी है, कर्म धर्म दोनों अच्छा तो जीवन बने अविनाशी है, कर्म धर्म दोनों खराब दोनों बिगड़े तो गले में यम की फांसी है। तो हमारे जब कर्म अच्छे होंगे तो किस्मत तो अपने आप बन जाएगी, तो किस्मत का दोष क्यों दो, किस्मत के चक्कर में क्यों पड़े, कर्म सुधार करें बस। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो माताओं से भी मेरा निवेदन है कि तमाम बाहर की पूजा पद्धतियों कर्म कांडों में ना फंस करके कर्म सुधार करो तो कर्म ही पूजा बन जाता है। जो कुछ कर्म सो पूजा। जब आप अच्छे भाव से घर में झाड़ू लगाती हैं, लिपाई पोताई करती हैं, कपड़े बर्तन साफ करती हैं, भोजन बनाती हैं, तो समझ लो हम पूजा कर रहे हैं। किसकी पूजा कर रहे हैं? अपने घर के सारे देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। और इसी पूजा में अपनी आत्मा बंधन से छूट रही है, नरक से बच रही है, कल्याण हो रहा है। जैसे नाव में आप चुपचाप बैठ जाते हैं, नाव खेने वाला खेता है नाविक, आप चुपचाप नाव में बैठ करके आंख मूंद लेते हैं अथवा लहरों को देखते हैं, दृश्य को देखते हैं, कूदते नहीं है पानी में और देखते देखते किनारे लग जाते हैं, उतर करके नाव से चल देते हैं। ऐसे ये जीवन नाव का पर आप बैठ जाइए, संसार के दृश्यों को देखें कि यहाँ अच्छा भी है बुरा भी है, अच्छा भी है बुरा भी है, और अपनी तरफ देखें कि मैं कौन हूं। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, इस शरीर में रहता हूं, मैं पवित्र कर्म करने के लिए आया हूं, सेवा परमार्थ धर्म करने के लिए आया हूं, हंस हंस करके खुशियों की जिंदगी जीने के लिए आया हूं। और प्राणी जगत की सेवा बन सके तो करो, अच्छा काम करो, निर्मल मन को बनाओ, तो देखेंगे कि आपकी जीवन नाव का पार हो जाएगी, किनारे हो जाएगी। हम असल में दो नावें जब चली जाती हैं, दो नाव नदी में चल रही हो धारा में, एक की नाव पीछे हो गई हो, एक की नाव आगे हो, चलो आपकी नाव आगे चल रही है, ज्यादा आप खेते होंगे, पीछे वाले पर आप दया करना चाहें तो क्या करेंगे, अपनी नाव को सिलो करके अगर कूद करके, जो धीमे नाव चल रही उस पर कूद करके बैठेंगे तो अपनी नाव की दशा क्या होगी, उस नाव से इस नाव में जब कूद करके उसे तेज करना चाहेंगे तो अपनी नाव की दशा क्या होगी, अरे वो बह जाएगी धारा में। तो हम दूसरे की पिछड़ती हुई नाव को आगे बढ़ाने के लिए अपनी नाव को डुबा देते हैं बंधुओं, ये गलत तरीका है। दूसरे के चक्कर में हम पड़ करके अपने अशांति को भंग कर देते हैं, हम स्वयं अशांति और बुराइयों से घिर जाते हैं। इसलिए अपनी नाव को बढ़ाते चले बढ़ाते चले, जिसको देख करके शिक्षा लेना होगा लेगा कि अरे वो आगे जा रहे हैं, इसी तरह हम भी नाव को आगे बढ़ाएं। क्या दिखता नहीं है इसी संसार से पवित्र जीवन जी करके कितने भक्त सज्जन महापुरुष आगे निकल गए, अपने जीवन का कल्याण कर लिए। तो हमें अपने आप का कल्याण करना है, स्वयं सद्गुणों की रक्षा करके, अपने कर्मों को सुधार करके, जीवन को निर्मल बना करके और बुराइयों से बच करके हम अपने जीवन का सारा काम कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। तो इस जान को समझें, ये हमारी जिम्मेदारी है और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। संसार की चीजों को कुछ निर्वाह की चीजों को लेते हुए बटोरते हुए अपने आप को समझें कि ये जो कीमती सबसे बहुत बेशकीमती जान है अपनी, वह अमूल्य अनमोल रत्न है, इसका हिफाजत करें, जिसको जानने से सब कुछ दुनिया की चीजें
जाना हुआ जानकारी हो जाती है। और ये मिल गया तो सारी चीजें मिल जाती हैं। इसी महापुरुष ने कहा है कि माना है कि दुनिया के सभी साध जाना है, अपने को न जाना तो खाक जाना है। सब कुछ जाने लेकिन अपने को न जाने, अच्छा सब कुछ पाए हम, सब कुछ पा जाएं, लेकिन अपने को ना पाए तो क्या पाए। हृदय बसे तही राम न जाना, हृदय में बसने वाले राम को तुम नहीं जाने हो, तो इस रमैया राम को समझने की जरूरत है। है पासे भासे नहीं नालत ऐसे जिन, तुलसी ऐसे नलिन को भयो मोतिया बिन। गोस्वामी जी का वचन है, तो पास में है लेकिन भासमान नहीं हो रहा, याद नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है, वो तो कहते हैं मोतियाबिंद हो गया है। थोड़ा बहुत तेज बात है। अब मोतियाबिंद तो हो ही जाता है आंखों में, तो उसके लिए उपाय है, डॉक्टर सर्जन तो खोल देते हैं आंखें, ऑपरेशन कर देते हैं। तो ऐसे ही भीतर की आंखें हैं और उसका ऑपरेशन संत गुरु कर देते हैं, तो दिखने लगता है क्या सही है क्या गलत है, समझ में बातें आ जाती हैं। तो सभी भाई बहनों को चाहिए इस पर विचार करें और घर ही में बैठ करके जहां जो है अपने काज को अपने काम को करें, जिससे कि जीवन का उद्धार हो। आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बोलिए सदगुरु देव की जय, संत समाज की जय।